नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बिहार चुनाव के कड़वे मीठे सबक, थोड़ी हकीकत थोड़ा फसाना। महागठबंधन की तीन भूले जिनसे मिली एनडीए को थोड़ी राहत। कोरोना अपडेट, देश में पिछले 24 घंटों में 47,905 नए मामले। मोदी सरकार के विरुद्ध होगी आम हड़ताल। मंगलवार यानी कि 10 नवंबर की देर रात बिहार के कांटे की टक्कर वाली कुछ 20 सीटों पर मतगणना को अंतिम रूप दिया जा रहा था। उस दौरान राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन ने नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से नतीजे के ऐलान को लेकर विभिन्न रिटर्निंग अफसरों पर पड़ते दबाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के महागठबंधन को जिन सीटों पर जीत हासिल हो रही थी उन सीटों पर सत्तारूढ़ पार्टियों की जीत का ऐलान कर दिया गया। गौरतलब है कि दो अहम मोर्चे भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन को क्रमशः 37.3 और 37.2% के साथ तकरीबन बराबर बराबर वोट शेयर मिले हैं और दोनों को मिले वोटों के बीच का यह अंतर सिर्फ 13,000 वोट का ही है। दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने 5.7% वोट हासिल किए हैं, जबकि छोटे छोटे दलों वाले ग्रैंड सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट को तकरीबन 4.5% वोट मिले हैं। बिहार के लोगों ने एक खंडित जनादेश दिया है। हालांकि सरल बहुमत प्रणाली में इसका मतलब तो यही होता है कि निवर्तमान एनडीए सत्ता में वापस आ जाएगा। साफ है कि यह फैसला नीतीश कुमार के उन 15 सालों के शासन पर लगने वाली मुहर तो बिल्कुल नहीं है, जिनमें 13 साल भाजपा के साथ गठबंधन के थे। अगर यह मान लिया जाए कि नतीजों में किसी तरह का हेरफेर नहीं किया गया है तो लोगों ने महागठबंधन पर भी पर्याप्त भरोसा नहीं जताया है। बिहार में एनडीए किसी तरीके से सत्ता में वापस तो आ गया है, लेकिन सदन में सबसे बड़ी पार्टी होने का जनादेश राजद को मिला है। तेजस्वी नेता बनकर उभरे हैं। सवाल उठता है, महागठबंधन के लोकप्रिय होने के बावजूद वह सत्ता तक क्यों नहीं पहुंच पाया? इसके अनेक कारण हैं, पर तीन कारण बेहद अहम हैं। आइए देखते हैं उर्मिलेश जी का क्या कहना है। आरजेडी के मामले में जो महागठबंधन है, आखिर उसके प्रमुख क्या कारण थे कि वो इस चुनाव में उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाया जितना उसको करना चाहिए था? वो तीन बड़े गड्ढे क्या हैं जहां पर महागठबंधन गिरा, जिसकी वजह से आज वो सत्ता पर काबिज नहीं होता नजर आ रहा है? वो मुझे लगता है कि पहला जो गड्ढा था दोस्तों, वो था कांग्रेस को दी गई 70 सीटें। कांग्रेस पार्टी, सच्चाई यह है कि 35-40 सीटों से ज्यादा बिहार में लड़ने लायक पार्टी नहीं थी, और उसमें भी उम्मीदवारों का फैसला महागठबंधन के नेतृत्व को तय करना चाहिए था कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर। दूसरा जो बड़ा गड्ढा था वो था जो वीआईपी पार्टी, जो मुकेश सहनी की पार्टी है, मैं मांझी की पार्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं आरजेडी या महागठबंधन के लिए, वीआईपी पार्टी का उसका उसके साथ रिश्ता खत्म होना और भारतीय जनता पार्टी के साथ जा मिलना, उसको मुझे लगता है महागठबंधन से जाने देना। और वो भी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अचानक चले गए थे जब महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी अनाउंसमेंट के लिए, तो वो मुझे लगता है एक बड़ी भूल थी। और तीसरी जो मुझे लगता है कि बड़ी गलती, कि आरजेडी का सारा जोर जो था, मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार के खिलाफ था, उनकी पार्टी या उनके सरकार या जेडीयू के। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जो कम्युनल कार्ड खेला, जो उसने तमाम राष्ट्रीय जनता दल के पुराने अतीत को लेकर जितने अटैक किए, उस पर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनआरसी से लेकर और तमाम अन्य मुद्दों पर वो लगभग खामोश था राष्ट्रीय जनता दल। ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के खिलाफ बोलना नहीं उतना पसंद किया उसने जितना कि जेडीयू पर, और यही चिराग पासवान की स्थिति थी, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार पर लगे रह गए और बीजेपी का ऐसा लगता था कि वो पक्ष ले रहे हैं। तो ये भी एक कारण था कि ईबीसी यानी एक्सट्रीम जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, जो महादलित है, उसके बीच में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपनी जगह बनाने की एक मोहलत मिल गई, और नीतीश कुमार जिनकी पार्टी को 31 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा था, वो उन्होंने अपनी स्थिति थोड़ी सुधार ली, वरना उनकी और भी बुरी स्थिति होती जिस तरह की स्ट्रेटजी बीजेपी ने बनाई थी उनको मिनिमाइज करने के लिए।
तो दोस्तों, जो मैंने ये तीन गड्ढे गिनाए जिसकी वजह से महागठबंधन की जो गाड़ी है वो गिर गई और पटरी से उतर गई और उसको सत्ता नहीं मिली, उसमें कांग्रेस की 70 सीटों का मामला तो ही है, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो एक धारणा है कि महागठबंधन के खासकर जो सबसे बड़े घटक राष्ट्रीय जनता दल है, उसने अपनी उम्मीदवारी जो है, अपने जो उम्मीदवार तय किए थे बड़े शानदार तय किए थे, लेकिन अभी मैं जब इलेक्शन कमीशन के आंकड़े देख रहा हूं और उसमें जो हारे हुए बहुत सारे उम्मीदवारों का की कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जब मैं आकलन कर रहा हूं तो पा ये रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने कई अपनी सीटें सिर्फ इसलिए गंवाई हैं कि वहां पर उनका जो उम्मीदवार था उस क्षेत्र की सामाजिकता, उस क्षेत्र की जो लोगों की आम चाहत है उसके विपरीत था, और कई जगह तो इतना ज्यादा भाई भतीजावाद था कि उसकी वजह से जो एस्पिरेशंस थे बहुत सारे संगठन के जुझारू कार्यकर्ताओं का, उनको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। अब उदाहरण के तौर पे मैं संख्या नहीं बता सकता, लेकिन और क्योंकि उसमें वक्त लग जाएगा, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प वाकया है कि एक केंद्रीय राज्य मंत्री जो पूर्व में रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं, अब उनके एक भाई को भी टिकट दिया आरजेडी ने और उसके बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी बेटी को भी दे दिया। एक ही परिवार के दो लोग चुनाव लड़े, काफी बड़े नेता माने जाते हैं, लालू प्रसाद जी के बड़े वो नजदीकी रहे हैं, अब वो दोनों चुनाव हार गए। हमने जब पता किया तो हमें जो जानकारी मिली कि चूंकि उस क्षेत्र में स्वयं उनके समाजों के लोगों में भी इस बात को लेकर नाराजगी थी कि एक ही परिवार के दो दो लोग क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी इतनी भारी संख्या में। ये ठीक है कि मान लीजिए किसी एक परिवार के दो लोग कहीं जीत गए किन्हीं कारणों से, लेकिन अगर इसको पैटर्न आप जिलावार बनाएंगे तो मुझे लगता है कि उसका नुकसान झेलना पड़ेगा और ये नुकसान सामने दिखाई पड़ा इस बार राष्ट्रीय जनता दल को। दोस्तों, इसके अलावा मैं समझता हूं कि जो बार बार जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारे जो हमले राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति को लेकर, महागठबंधन में वामपंथियों से ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल पर जो एक अटैक लगातार बीजेपी के नेताओं ने किया, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर ने किया, उसका जो एक माकूल जवाब मिलना चाहिए था या एक माकूल जो एक दलील के साथ, एक ठोस तथ्यों के साथ जो बात सामने लाई जानी चाहिए थी, इस पूरे इलेक्टोरल कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में वो डिस्कोर्स सामने बिल्कुल नहीं आया। और तीसरी जो बात, जो बहुत महत्वपूर्ण बात, कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, कोरोना दौर में प्रशासन की तरफ से उनको जो भी चीजें आवंटित की गई आर्थिक सहूलियतें, उसमें नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का नाम बार बार लिया गया और प्रधानमंत्री, ऐसा लगता है कि गरीबों के बीच में एक मैसेज दिया गया कि उनको कोरोना दौर में जो भी सहायता मिल रही है दरअसल वो प्रधानमंत्री के कारण मिल रही है। इसका जो महाविपक्षी ये गठबंधन है, महागठबंधन, उसने मुझे लगता है कि लोगों में अपनी बात को नहीं रखा, जिसकी वजह से राष्ट्रीय जनता दल को कई क्षेत्रों में काफी बड़ा घाटा हुआ, क्योंकि अति पिछड़े वर्ग में नीतीश कुमार का जो जलवा है वो लगभग कायम था। अगर कायम ना होता तो उनकी सीटें वाकई और कम हो जाती, जिस तरह चिराग पासवान लगातार उनके खिलाफ कैंपेन कर रहे थे और बीजेपी भी यही चाहती थी कि उनकी सीटें और कम हो जाएं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने अगर अपनी सीटों को बचाने में कामयाबी हासिल की थोड़ी बहुत तो उसमें उनका ईबीसी जो बेस है और जो महादलित बेस है उसका जरूर एक हिस्सा इंटैक्ट रहा, एक बड़ा कारण यह है। अब बिल्कुल अंत में दोस्तों मैं कहूंगा कि बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में विपक्ष की क्या भूमिका है, बिल्कुल संक्षेप में वो बस यही हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि बड़ी ताकत के रूप में इमर्ज किया है इस समय बिहार में, तो अगर वामपंथियों, राष्ट्रीय जनता दल का, कांग्रेस का ये गठबंधन अगर सिर्फ चुनावी गठबंधन न रहकर डे टू डे लाइफ में अगर लगातार नियमित रूप से सक्रिय होता है एजेंडे के साथ, अपने तथ्यों के साथ, अपने 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 मुद्दों के साथ, वही एक ऐसी ऐसा तरीका हो सकता है जिससे इस राजनीति को एक रिलेवेंस मिले और इसको ताकत मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार यानी 12 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 47,905 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 52,718 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में से
5,363 मामले कम हुए हैं। देश भर में अब कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 86,83,916 हो गई है, जिनमें से अब तक 1,28,121 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार रिकवरी रेट में आज 0.09% की बढ़ोतरी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 92.89% हो गया है, यानी अब तक कुल मरीजों में से 80,66,501 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 5.63% यानी 4,89,294 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 12,19,62,509 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 11,93,358 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में हुई है। 26 नवंबर को मोदी सरकार के विरुद्ध 5वीं आम हड़ताल होगी। यह 1991 में नव उदारवादी सुधारों के बाद से देश की 20वीं आम हड़ताल है। भाजपा से संबद्ध BMS को छोड़कर सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन इस हड़ताल में शरीक होंगे। सुधार युग के 30 वर्षों में 20 आम हड़तालें लोगों के लिए कई मतलब रखती हैं। सरकारी खेमे और मीडिया के लिए यह रूटीन गतिविधियों में आ सकता है। श्रम आंदोलन के कुछ संगठनकर्ताओं के लिए यह पूंजीपतियों के विरुद्ध और दक्षिणपंथी सर्वसत्तावादी सरकार द्वारा अभूतपूर्व हमले के खिलाफ रियर गार्ड एक्शन को हो सकता है, परंतु प्रत्येक आम हड़ताल अनोखी होती है और उसका विशेष महत्व होता है। यह हड़ताल भी अपवाद नहीं है। दूरदर्शी श्रम आंदोलनकर्ता व संगठक जानते हैं कि इस बार की आम हड़ताल का भावी महत्व उसके तत्कालिक प्रभाव से कहीं अधिक है। इसके कारण अनगिनत हैं। संपूर्ण तौर पर देखा जाए तो भारत में सुधार के 3 दशकों में हर 3 साल में 2 आम हड़तालें संगठित की गई हैं, पर 2 सत्रों में 6 वर्षों में मोदी सरकार को 5वीं आम हड़ताल देखनी पड़ रही है। यह मोदी के दूसरे सत्र में दूसरे वर्ष में दूसरी आम हड़ताल भी है। भारतीय श्रमिक वर्ग के राजनीतिक प्रतिरोध की बढ़ती बारंबारता श्रमिकों के खिलाफ मोदी के चैतरफा युद्ध के बारे में महत्वपूर्ण संदेश दर्शाता है। महामारी के बाद मंदी कई सालों तक चलेगी और इस शताब्दी में सबसे भयानक होगी। लाखों उद्योग बंद होंगे, दसियों लाख श्रमिकों को काम और आजीविका से हाथ धोना पड़ेगा, युवाओं को शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी बेरोजगार रहना पड़ेगा, वेतन का घटाया जाना और यहाँ तक कि काटा जाना आम बन जाएगा। ऐसी गंभीर चुनौतियों का मुकाबला मजदूर आंदोलन पहली बार स्वतंत्र भारत में करेगा। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। Facebook, Instagram और Twitter पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।